नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य जी के 108 फीट लंबे स्टैचू के बारे में, जो कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट हुआ है। इसका नाम है स्टैचू ऑफ वननेस। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और करंट अफेयर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब अवश्य करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 108 फीट लंबा स्टैचू, जो कि 8th सेंचुरी के स्पिरिचुअल लीडर आदि शंकराचार्य जी का है, उसे इनॉग्रेट किया है। ये स्टैचू जो है ये दिखाता है कल्चरल यूनिटी को, इसीलिए इसका नाम स्टैचू ऑफ वननेस रखा गया है। अब इस स्टैचू में आदि शंकराचार्य जी को 12 साल छोटे बच्चे की तरह पोर्ट्रे किया गया है, जब अपनी 12 साल की उम्र में वो ओमकारेश्वर मंदिर में आए थे। ओमकारेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जिसको काफ़ी सेक्रेड, काफ़ी दिव्य अबोड माना जाता है, घर माना जाता है महादेव का, भोलेनाथ का। इस पूरे स्टैचू का वेट 100 टन्स है और यहाँ जो मेटल कास्टिंग हुई है इस स्टैचू पे, वो चाइना के नानचांग सिटी में हुई है और उसके बाद उसको सब्सिक्वेंटली यानी बाद में मुंबई में शिप किया गया था। अगर हम आदि शंकराचार्य जी की बात करें तो इनका बहुत बड़ा रोल है सनातन धर्म के रिवाइवल के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने एक अद्वैत वेदांत फिलॉसफी को एडवोकेट किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि आदि शंकराचार्य जी ने कौन सी वेदांत की फिलॉसफी को एडवोकेट किया था, तो अद्वैत वेदांत फिलॉसफी को इन्होंने एडवोकेट किया था। और ये जो आइडल बनाया गया है ये ब्रॉन्ज से बनाया गया है। इस आइडल में 88% कॉपर, 4% जिंक और 8% टिन का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको काफ़ी हाई क्वालिटी स्टील से बनाया गया है, जो इसको स्टेबल और ड्यूरेबल बनाता है, यानी कि ये हाई विंड स्पीड को भी विदस्टैंड कर सकता है, इसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये हाई क्वालिटी स्टील से बना है इसका जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इस स्टैचू की इनॉग्रेशन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा अद्वैत लोक का, ये भी ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में इसको भी हम कवर करेंगे जब ये बन जाएगा। तो ये फाउंडेशन स्टोन रखा अद्वैत लोक का, ये एक प्रोजेक्ट है 2200 करोड़ का। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये ओमकारेश्वर मेंधाता हिल में बनेगा और जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे एक म्यूज़ियम होगा जहाँ पे आपको 3D होलोग्राम प्रोजेक्शन गैलरी देखने को मिलेगी। इसके साथ 9 एग्जीबिशन गैलरीज यहाँ पे होंगी और एक इंडोर वाइड स्क्रीन थिएटर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे एक यूनिक कल्चर बोट की राइड भी होगी जिसको अद्वैत नर्मदा विहार कहा जाएगा। अभी इस पूरे के पूरे स्टैचू का जो डिज़ाइन है उसे एक पेंटर वासुदेव कामत जी ने कंसीव किया है, यानी उन्होंने ये बनाया है। अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए इन्होंने जो राजा रवि वर्मा जी की डिपिक्शन है शंकराचार्य की, उससे उन्होंने इसकी इंस्पिरेशन ली है। अब देखिए जो आदि शंकराचार्य जी का समय था उस समय आप खुद ही समझ सकते हो कि वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं थे, कोई कैमराज नहीं थे, तो हमें कैसे पता चला कि शंकराचार्य कैसे दिखते थे। तो इसके लिए बड़े बड़े लोग ऐसे हुए जिन्होंने शंकराचार्य जी को रीड किया, जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, उस पूरे के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को रीड किया, वहाँ के लोगों को स्टडी किया, मतलब उनके जो भी फेशियल फीचर्स हैं, और उससे फिर अलग अलग लोगों ने शंकराचार्य जी की डिपिक्शन करी। तो उसमें से जो राजा रवि वर्मा जी की डिपिक्शन है शंकराचार्य की, वहाँ से इंस्पिरेशन ली पेंटर वासुदेव कामत जी ने। वासुदेव कामत जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए, इस स्टैचू को डिज़ाइन करने के लिए 11 से 12 साल के जो केरल के बच्चे हैं उनके फेसेस को स्टडी किया, उनके चेहरों को स्टडी किया। जैसे 2018 में कामत जी की पेंटिंग को अप्रूव कर दिया गया, उसके बाद एक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ किया गया और जो स्कल्पचर हैं भगवान रामपुरे, उन्हें चूज़ किया गया इस पूरे डिज़ाइन को, इस पूरे विज़न को लाइफ में लाने के लिए, यानी इसका स्कल्पचर बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर का एनालिसिस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अगर हमारी ये वीडियो और बाकी वीडियोज़ को देख के आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, हमारे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा। जीके और करंट अफेयर की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बगल में बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।